सो लास्ट टॉपिक में हमने जो डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, वो हमने डिस्कस किया था अर्बन ट्रैफिक प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, अर्बन ट्रैफिक प्रॉब्लम्स के बारे में। अब हम इसमें हमने क्या क्या चीज़ पढ़ ली थी। ट्रैफिक कंजेशन एंड पार्किंग डिफ़िकल्टीज, ये सबसे पहला पॉइंट था जो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने लॉन्गर कॉम्यूटिंग के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनएडिक्वेसी के बारे में पढ़ा था, और डिफ़िकल्टी फॉर नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था। अब आज हमें अर्बन ट्रैफिक प्रॉब्लम में और कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करने पड़ सकते हैं, उन चीज़ों को आगे कर पढ़ना है। डिफ़िकल्टीज फॉर नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट तक हमने 4 पॉइंट पढ़ लिया था। अब हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से आगे। आज आज हम इसमें कंटिन्यू करते हुए जो हमारा अर्बन ट्रैफिक प्रॉब्लम है, ठीक है, अर्बन ट्रैफिक प्रॉब्लम, इसमें जो आज हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट डे पढ़ा था, वहां से जब कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है लॉस ऑफ पब्लिक स्पेस। अब इसका मतलब क्या हुआ? वैसा स्पेस जो पब्लिक के यूज के लिए होता है उसका कम पड़ जाना। ठीक है, अब अगर हम जाने कि वो कैसे कम पड़ जाता है, तो देखो ये चीज़ बहुत ही क्लियर है कि मोस्ट ऑफ द रोड्स जो होते हैं वो फ्री एक्सेस रोड होते हैं। वो आप आसानी से उसको एक्सेस मतलब यूज़ कर सकते हो। आपको उसको यूज़ करने के लिए किसी भी तरीके का पैसा नहीं पे करना पड़ता, किसी भी तरीके का आप कुछ पे नहीं कर रहे होते। ठीक है, वो पब्लिकली ओन्ड रोड्स होते हैं। ठीक है, तो उस वैसे रूट्स मतलब सारे रोड्स मोस्ट मोस्ट रोड्स उसी तरीके के होते हैं। ठीक है, तो वैसे रोड्स जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हुआ करते हैं, वहाँ पर पब्लिक के यूज़ के लिए वो जो मतलब वैसे लोग जो सॉरी वैसे लोग जो मतलब व्हीकल से नहीं चल रहे होते, मतलब नॉन मोटराइज्ड व्हीकल से, जो नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट का जो यूज करते हैं, वैसे लोगों को फिर वहां पर परेशानी आती है। ठीक, तो यहाँ पर वही चीज कहा है कि वैसे लोग जो नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, या फिर जो लोकल रेसिडेंट्स होते हैं, उनको जो है स्ट्रीट एक्टिविटी या फिर आपको स्ट्रीट स्पेस हो गया, ये सारी चीजों का यूज करना, इंटरेक्शन करना, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक, अब अगर हम बाय डेफिनेशन चलें, क्या यहाँ पर लिखा है, द मेजोरिटी ऑफ रोड आर पब्लिकली ओन एंड फ्री ऑफ एक्सेस। ठीक है, ये चीज हमने पहले ही पढ़ लिया, पहले ही मैंने यह चीज आपको बता दी कि जो मोस्ट ऑफ द रोड्स होते हैं वो पब्लिकली ओन्ड होते हैं। मतलब क्या कि वैसे जो पब्लिक उसको फ्रीली एक्सेस कर सके, मतलब जो पब्लिक उसको आसानी से यूज कर सके। ट्रैफिक फ्लो इन्फ्लुएंस द लाइफ एंड इंटरेक्शन ऑफ रेसिडेंट एंड देयर यूजेज ऑफ स्ट्रीट स्पेस। अब जहां पर भी ट्रैफिक फ्लो ज्यादा होता है, अब याद करो जो हमने फ्लो में पढ़ा था नंबर ऑफ व्हीकल्स, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चलेगा, वहां पर जो वैसे लोग होंगे जो व्हीकल से नहीं है, उनका रोड का यूजेज यूजेज मुश्किल हो जाएगा। मोर ट्रैफिक फ्लो इन इम्पिडेज सोशल इंटरेक्शन एंड स्ट्रीट एक्टिविटीज, पीपल टेंड टू वॉक एंड साइकिल व्हेन सॉरी एंड साइकिल लेस व्हेन ट्रैफिक इज हाई। तब यहाँ पर वही चीज कह रहा है कि जब ट्रैफिक फ्लो ज्यादा होगा तो ये लोगों के लिए डिफिकल्ट कर देगा स्ट्रीट एक्टिविटी से के लिए और सोशल इंटरेक्शन के लिए। और वैसे लोग जो साइकिल का यूज कर रहे होते हैं, वो ट्रैफिक देख करके साइकिल ना यूज करके वो ये कोशिश करेंगे कि हम वॉक करके इस रोड का यूज करें। अब देखो इसमें हमारा अगला जो टॉपिक है ये क्या है, मतलब जो अर्बन ट्रैफिक प्रॉब्लम, वैसी चीज़ें जो अर्बन एरिया में ट्रैफिक में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो क्या है, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। अब देखो इसमें एक चीज़ समझने वाली बात ये है कि किसी भी जगह पे जितनी ज़्यादा आबादी होगी, ठीक है, जितना ज़्यादा किसी भी एक एरिया का पॉपुलेशन होगा, उतना ज़्यादा उस जगह के रोड का ना लोड बढ़ जाएगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज़्यादा वहाँ पर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा कि अब अगर हम देखें कि कोई एक पर्टिकुलर सिटी है, ठीक है, जहाँ का रोड बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, ठीक है, तो उनको जो अब है मेंटेनेंस मतलब उस जगह का मेंटेनेंस करना पड़ेगा। और जब उस जगह का मेंटेनेंस करना पड़ेगा तो आपको मेंटेनेंस कॉस्ट उसमें ऐड करना पड़ेगा, जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट होगा आपका। ठीक है, ठीक, और फिर जो है आपको मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ साथ और भी जो चीज़ एक एक्स्ट्रा आपको बार बार परेशान करेगी वो ये होगी कि किसी भी एरिया में जब हम
यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो जितना ज्यादा अपग्रेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करते रहें। सपोज कि अगर हमारा कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पुराना हो चुका, अब उसके कंपैरिजन में कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है, तो हमें इस चीज का भी बर्डन होता है कि हम अब इस चीज को फिर से अपग्रेड करें नए तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा कि अब इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है कि जो भी पहले कॉस्ट लगा हुआ होता है, उस कॉस्ट में अब जो है मेंटेनेंस कॉस्ट ऐड हो जाता है, रिपेयर कॉस्ट ऐड हो जाता है, ठीक है। और ये जो है ये आगे चल करके यही चीजें बाधा बनती हैं, ठीक है, डिसरप्ट करती हैं किसी भी रोड प्रोजेक्ट को, ओके। और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, फिर ऐसे सिचुएशन में जो मेंटेनेंस है ना, वो लेट होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, डिले होता है अक्सर, ठीक है। और डिले होने से फिर एक नुकसान क्या हो जाता है कि जो चीजों के प्राइस होते हैं, वो प्राइस आपको पहले के बनिस्बत, मतलब पहले के कंपेरिजन में वो चीज बढ़ जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर यही कहा कि किसी भी अगर हम इसका इसको समराइज करें हाई मेंटेनेंस कॉस्ट को, तो कोई भी जो हमारा किसी भी मतलब एक रोड है, तो वो जितना ज्यादा एक्सटेंसिव रोड होगा, उतना ज्यादा हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा आएगा, और जितना कम एक्सटेंसिव रोड होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट हमारा उतना ही कम आएगा। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स एंड एनर्जी कंजप्शन। अब देखो, सबसे पहले हम इसमें जानेंगे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स के बारे में, कि जैसे जैसे अर्बन एरिया में ना ट्रैफिक का लोड बढ़ते जा रहा है, ठीक है, ट्रैफिक के लोड बढ़ने के साथ साथ वहां पर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स बहुत ज्यादा हो रहा है, और ऐसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो हैं वो अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों के लिए भी हार्मफुल है। अब वो किस तरीके से है कि जो भी व्हीकल्स रोड पर चला करते हैं, वो तरह तरह का ना पॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, अपने अंदर से, ठीक है, जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया, या फिर नॉइस पॉल्यूशन हो गया, तरह तरीके का पॉल्यूशन अपने अंदर से वो जनरेट करते हैं, ठीक है, थीके? और इससे फिर जो है ना जो भी मतलब वहाँ के लोग हैं उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, वैसे प्रॉब्लम्स जो एयर पॉल्यूशन के वजह से होते हैं, जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम, या फिर नॉइस पॉल्यूशन के वजह से स्ट्रेस का बढ़ जाना, ये सारी चीजें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं किसी भी जगह पर ट्रैफिक के बढ़ने की। और अगर हम बात करें एनर्जी कंजम्पशन की, तो एनर्जी कंजम्पशन कैसे कैसे, जैसे जैसे इंक्रीज होगा नंबर ऑफ व्हीकल किसी भी एरिया में, वैसे वैसे एनर्जी के कंजम्पशन का डिमांड भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वही कह रहा है कि किसी भी जगह अगर हम देखें, अगर किसी भी अर्बन एरिया में सपोज करो पीपल बहुत ज्यादा आने चालू हो गए, ठीक है, तो जैसे ही वहां पर लोग आने चालू होते हैं, वहां पर व्हीकल का डिमांड बढ़ता है, और जैसे ही व्हीकल का डिमांड बढ़ेगा, वैसे ही हमारे पेट्रोलियम का डिमांड भी इंक्रीज कर देगा। तो ये दोनों एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ व्हीकल विल इंक्रीज द डिमांड ऑफ पेट्रोलियम। देखो उसके बाद जो हमें पढ़ना है ना, उसके बाद हमें पढ़ना है एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी के बारे में, ठीक है। अब जहां पर भी ये चीज तो एकदम तय है कि जहां पर भी ट्रैफिक का बढ़ना होगा, वहां पर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। इसीलिए तुम देखना कि जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज होते हैं ना, एक्सीडेंट प्रोन एरियाज जो होते हैं, वो एरियाज ज्यादातर तुम्हें हाईवे पे दिखाई देंगे, एक्सीडेंट प्रोन एरियाज, ठीक है। तो जहां पर भी ट्रैफिक इंक्रीज होगा, वहां पर एक्सीडेंट इंक्रीज होगा। यहां पर वही चीज कह रहा है कि ठीक है, तो यहां पर वही चीज कह रहा है कि जैसे जैसे अर्बन एरिया में ट्रैफिक ग्रो करने लगता है, तो वो ट्रैफिक ग्रो डायरेक्टली लिंक्ड होता है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स से। खास करके कहां पर ये चीज जरूरी है याद रखने वाली, कि खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में, वैसी कंट्री जो डेवलपिंग मोड में होती है, ना कि डेवलप्ड मोड पे होती है। जिसका एग्जाम्पल हम देखें तो हमारी कंट्री इंडिया, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, और यहाँ पर जहां पर भी अर्बन एरियाज में ट्रैफिक इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स के चांसेस भी
इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। और देखो एक्सीडेंट से फिर नुकसान क्या होता है, जहां पर एक्सीडेंट हो गया वहां पर बार बार डीले होने के चांसेस होते हैं। किसी भी अगर कोई जगह है जहां पर एक्सीडेंट हुआ तो वहां पर नंबर मतलब डीले होना स्टार्ट हो जाएगा, किसी को भी उस जगह को यूज करना एक जगह से दूसरे जगह जाने में डीले होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे एक चीज डायरेक्ट ये साबित होता है कि जहां पर भी ट्रैफिक इंक्रीज करता है ना रोड पे, किसी भी रोड पे या स्ट्रीट में जब ट्रैफिक इंक्रीज करता है तो वहां के वैसे लोग जो नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं जैसे साइकिलर्स और जो पेडेस्ट्रियंस होते हैं वो उस रोड को यूज करने में फिर सेफ फील नहीं करते। तो अगला टॉपिक है हमारा लैंड कंजप्शन, ठीक है। तो लैंड कंजप्शन में हमें ये पढ़ना है, देखो मेन जो है लैंड कंजप्शन में क्या कि 30% to 60% किसी भी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी का ना वो जो मतलब परसेंटेज होता है किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी के एरिया का, उस एरिया का 30% to 60% एरिया जो है ना वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है। अब ऐसे में फिर क्या होता है, जो वहां के लोकल्स होते हैं जो वहां के रहने वाले लोग होते हैं ना उनको फिर इस चीज का दिक्कत होता है और फिर गवर्नमेंट को इकोनॉमिकली भी इसके लिए दिक्कत होता है, इसके मेंटेनेंस वगैरह के लिए, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है फ्राइट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है वो है हमारा फ्राइट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि फ्राइट की मीनिंग क्या होती है, ठीक है। किसी भी जो आप लोग सब तुम लोग जानते होगे कि कार्गो किसको कहते हैं हम, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को ले जाना, एक बड़े अमाउंट में गुड्स को ले जाना एक जगह से दूसरे जगह, वो कहलाता है फ्राइट, ठीक है। तो अब जब फ्राइट के बारे में हम जान गए तो इस टॉपिक को हम आसानी से समझ सकते हैं। देखो किसी भी अगर मेट्रोपॉलिटन में बहुत सारी चीजें हैं जो वहाँ बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है, और वहां से गुड्स प्रिपेयर होते हैं वहाँ फैक्ट्रीज वगैरह में, और वो गुड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, मे बी इन सेम सिटी, उसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में या किसी भी अर्बन एरिया में, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जाना उसी अर्बन एरिया में, या फिर एक सिटी से दूसरे सिटी जाना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना, तो ये चीज बढ़ने लगता है जैसे जैसे वहां पे पॉपुलेशन होता है, जैसे जैसे किसी जगह का डेवलपमेंट होता है। और इसके बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि इन ये फ्राइट्स के लिए किसी भी अलग तरीके का रोड नहीं होता, ये फ्राइट्स जो होते हैं वो सेम रोड यूज कर रहे होते हैं जो पब्लिक के लिए बना होता है। तो ऐसे में फिर क्या होता है कि जैसे जैसे फ्राइट में इंक्रीज होता है वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है ट्रैफिक में। अब जो लास्ट हमें इसमें डिस्कस करना है वो टॉपिक है ऑटोमोबाइल डिपेंडेंसी। देखो जैसे जैसे ऑटोमोबाइल का किसी भी जगह पर नंबर में इंक्रीज होता है, ठीक है, तो वो एक तरीके से इकोनॉमिकली उस जगह को बहुत ज्यादा फायदा देता है। जैसे सपोज करो कार्स का बिकना, जितना ज्यादा कार बिकेगा उस जगह को इकोनॉमिकली उतना ज्यादा फायदा होगा, ठीक है, मतलब जो डेवलपमेंट रेट है इकोनॉमिकली वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। बट इसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से नंबर ऑफ व्हीकल इंक्रीज करेंगे ना उस तरीके से कंजेशन जो होगा कंजेशन में भी इंक्रीज होगा, ठीक है, स्पेशली जो है कब पीक आवर के टाइम पे, ठीक है, वैसे डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर जो है बिजनेस बहुत ज्यादा हुआ करते हैं, ठीक है, उस जगह पर जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल या नंबर ऑफ व्हीकल इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ व्हीकल जिस तरीके से इंक्रीज करेंगे कंजेशन भी वहां पर इंक्रीज होते जाएगा, खास करके कब कहा हमने, स्पेशली पीक आवर में, पीक आवर में जब लोग जा रहे होंगे अपने ऑफिस के लिए जहां पर बिजनेस होता है, ठीक है, वहां पर क्या होगा मतलब कंजेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, यहां पर हमारा अर्बन ट्रैफिक प्रॉब्लम खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे नेक्स्ट वीडियो में।